हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। और आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पर्सनैलिटी के बारे में। साइकोलॉजी के ही अंदर हम पर्सनैलिटी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। पर्सनैलिटी होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। अब पर्सनैलिटी को देखिए, कई साइकोलॉजिस्ट ने, कई विद्वानों ने यहाँ पर उसको डेफिनेशन देने की यहाँ पर ट्राई की है, लेकिन जो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है पूरी तरह से यहाँ पर निश्चित नहीं है, डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि जो पर्सनैलिटी शब्द है अपने आप में ही काफ़ी वाइड होता है। अब कई तरह से हम किसी की पर्सनैलिटी को यहाँ पर आंकते हैं या फिर डिफाइंड करते हैं। जैसे कि जनरली हम क्या करते हैं, किसी को बाहरी रूप से देखते हैं और उसकी पर्सनैलिटी का यहाँ पर आइडिया लगाते हैं। जैसे अगर किसी की बॉडी अच्छी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होता है, हेल्थ अच्छी है, मस्कुलर बॉडी है, उसका जो हाइट है, कद है, नाक नक्शे हैं, वो अच्छा होता है, कुल मिलाकर अगर ये सारी चीज़ें सबकी की अच्छी रहती है, डील डॉल बॉडी है, हेल्दी बॉडी है, या फिर अच्छा यहाँ पर हाइट है, या तो इस तरह से हम क्या मान लेते हैं कि ये जो पर्सनैलिटी है, इनकी पर्सनैलिटी क्या बोल देते हैं कि ये देखिए इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इसको माना जाता है। तो अगर दूसरी तरफ अगर कोई यहाँ पर दुबला पतला सा होता है या फिर शॉर्ट हाइट होती है, उनके जो नाक नक्शे हैं, स्ट्रक्चर है, वो भी अच्छा नहीं होता है, फेस पर ग्लो भी नहीं होता है, न ये निस्तेज यहाँ पर फेस रहता है, तो इस इनकी जो पर्सनैलिटी को ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं माना जाता है। तो अपना अपना नज़रिया है सबका, तो सभी अपनी तरीके से किसी दूसरे की पर्सनैलिटी को यहाँ पर डिफाइन करने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर किसी का नेचर अच्छा होता है, सबके साथ अच्छा यहाँ पर बिहेव करता है, यानी अच्छा बिहेवियर किसी का होता है, सबके साथ अच्छी वो बातचीत करते हैं, तो उनको माना जाता है कि ये देखिए कितने ऐसे बोलते हैं ना, देखिए कितना अच्छा है, कि सबसे अच्छे से बात करता है, इसका नेचर भी कितना अच्छा है, तो उसको भी एक इफेक्टिव पर्सनैलिटी माना जाता है। और दूसरी तरफ अगर कोई किसी से बात करने से थोड़ा सा झिझकता है तो इसको एक शाई बोला जाता है, इसको बोला जाता है तो काफ़ी शर्मीला सा है। और अगर किसी की आवाज़ यहाँ पर ऊंची होती है या फिर थोड़ा सा वो अधिकार पूर्ण रूप से बात करता है तो उसके पर्सनैलिटी को किस तरह से बोला जाता है कि ये तो देखिए कितना रोबदार पर्सनैलिटी है इसकी। और कुल मिलाकर अगर वो यहाँ पर अच्छा दिखता भी है, अच्छा बात भी करता है, नेचर भी अच्छा है, तो उसको काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी माना जाता है। तो पूरा इन सब चीज़ को मिलाकर अगर देखा जाए तो पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी जो हमारा व्यूज़ क्या होते हैं किसी इंसान के, वैल्यूज़ क्या है, यानी किसी से व्यवहार कैसा है, उसका व्यूज़ कैसे है, पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि या रिस्पॉन्स कैसे करता है, समाज में कैसे रहता है, किसी से बातचीत कैसे करता है, और सोचता कैसे है, पैटर्न ऑफ थॉट्स क्या है उसके, और उसके जो विशेषताएं क्या है, करेक्टर कैसा है उसका, तो ये सारी चीज़ें मिलकर किसी इंसान की पर्सनैलिटी को वो बनाता है। और पर्सनैलिटी देखिए एक लैटिन वर्ड परसोना से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, मास्क या मुखौटा होता है, तो ये भी आपने याद रखना है। अब आगे हम इसके कुछ डेफिनेशन कर लेते हैं। कई साइकोलॉजिस्ट ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, तो एल्पोर्ट GW ने क्या बोला है, पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। तो हिंदी में भी बता देती हूँ एल्पोर्ट ने क्या यहाँ पर डेफिनेशन दी है। और तो जो डेफिनेशन है ये जिस तरह से यहाँ पर बोली गई है उसी तरह से यहाँ पर बतानी पड़ती है। देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो एल्पोर्ट ने ये इस तरह से ही बोला है, तो इसी तरह से इसको याद करना पड़ेगा। तो हिंदी में क्या बोला है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक पद्धतियों का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करती है। तो ये बोला है एल्पोर्ट ने। फिर आगे देखिए वॉटसन क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ हैबिट्स एंड हैबिट सिस्टम ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। वॉटसन क्या बोलते हैं, लंबे समय तक किए गए वास्तविक निरीक्षण से प्राप्त विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर खोजी गई व्यक्ति की क्रियाओं का ये समूह होता है व्यक्तित्व। फिर मॉर्टन प्रिंस के अनुसार
पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ बायोलॉजिकल इननेट डिस्पोजिशन टेंडेंसीज एपेटाइट्स एंड इंस्टिंक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द डिस्पोजिशन एंड टेंडेंसीज एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस। मार्टिन प्रिंस बोलते हैं व्यक्ति की सभी प्रकार की जन्मजात प्रवृत्तियां जो रहती है, आवेगों प्रवृत्तियों इच्छाओं और मूल प्रवृत्ति जो रहती है, जो हमारी मूल टेंडेंसी रहती है, ठीक है, या हमारे अनुभव है, एक्सपीरियंस रहते हैं, अनुभवों द्वारा अर्जित बातों का ये योग होता है व्यक्तित्व। फिर आगे है एच जे आइजेक। आइजेक क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी इज द रिलेटिवली स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सन मोटिवेशनल डिस्पोजिशन अराइजिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल ड्राइव्स एंड सोशल फिजिकल इन्वायरमेंट। आइजेक बोलते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र स्वभाव और बुद्धि तथा शारीरिक बनावट का थोड़ा बहुत ऐसा स्थायी और स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। फिर आगे है मन के द्वारा क्या बोला गया, मन एनएल के द्वारा पर्सनैलिटी मे बी डिफाइंड एज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मोड ऑफ बिहेवियर इंटरेस्ट एटीट्यूड्स कैपेसिटीज एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड्स। तो मन क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचों व्यवहार के रूपों रुचियों अभिवृत्तियों समर्थों योग्यताओं और अभिरुचि के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। फिर आगे है वैलेंटाइन क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन, यानी कि व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विन्यासों का ही जोड़ होता है, ये बोला है वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट है बोरिंग के द्वारा क्या बोला गया है, पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट विद इन्वायरमेंट। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का उसके परिवेश यानी उसके इन्वायरमेंट से समायोजन होता है, तो एडजस्टमेंट होती है, तो ये बोला है बोरिंग ने। फिर नेक्स्ट देखिए गुथरी क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी इज डिफाइंड एज दोज हैबिट्स एंड हैबिट सिस्टम ऑफ सोशल इम्पोर्टेंस दैट आर स्टेबल एंड रिजिस्टेंट टू चेंज। व्यक्तित्व की परिभाषा सामाजिक महत्व की उन आदतों और आदत संस्थान के रूप में की जा सकती है जो स्थिर और परिवर्तन से अवरोध वाला होता है, तो ये बोला है गुथरी ने। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो कि यहाँ पर कई साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई है, कई विद्वानों ने दी हुई है, तो इन सबको मिलाकर अगर हम देखें तो क्या पता चलता है हमें कि जो इंसान की पर्सनैलिटी है ये काफी वाइड है, काफी व्यापक है, जिसके अंदर इंसान की व्यक्ति की जो फिजिकल है मेंटल है शारीरिक मानसिक बौद्धिक यानी कि फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल इमोशनल सोशल ये सारी ही विशेषताएं इसमें आती हैं। यानी एक इंसान फिजिकली कैसा है मेंटली कैसा है यानी कि कैसे वो दूसरों के बारे में सोचता है या किस तरह की उसकी विचारधारा है कैसे वो दूसरों के साथ रहता है इंटेलेक्चुअल लेवल किस तरह से है उसका और इमोशनल लेवल क्या है और सोशली कैसे रहता है ये सारी जो विशेषता है ये सारी मिलकर किसी इंसान की पर्सनैलिटी को बनाता है। ये थी कुछ डेफिनेशन। आगे हम क्लासिफिकेशन करेंगे पर्सनैलिटी की। क्लासिफिकेशन हिपोक्रेट्स ने दी, शेल्डन ने दी और क्रिश्मर ने दी, तो ये सारी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हिपोक्रेट्स की क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। हिपोक्रेट्स ने हमारे पर्सनैलिटी को यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर के बेस पर डिवाइड किया है चार तरह से, और इन्होंने डिवाइड किया है किस तरह से, जो हमारी बॉडी में फ्लूड्स होते हैं तो उस बेस पर इन्होंने चार तरह से डिवाइड किया है। जैसे देखिए क्लोरिक है, मेलनकॉलिक, फ्लेगमेटिक और सेंग्यूनिक है। अगर देखिए किसी की बॉडी में येलो वाइल जो है वो ज्यादा होता है तो किस तरह की पर्सनैलिटी है, ब्लैक वाइल ज्यादा है तो किस तरह से है, वाइट फ्लैगम ज्यादा है या फिर ब्लड जो है वो ज्यादा है तो पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह की पर्सनैलिटी उनकी होती है, तो यही चीज यहाँ पर हिपोक्रेट्स ने इसको क्लासिफिकेशन किया है। जो क्लोरिक रहते हैं तो इनके अंदर क्या बोला गया, येलो वाइल इसमें ज्यादा रहता है, ये येलो वाइल जो है वो लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है।
येलो वाइल जो इस तरह की पर्सनैलिटी रहती है जिनमें येलो वाइल ज्यादा रहता है, तो क्लोरिक रहते हैं जिसमें फिजिकली ये स्ट्रांग रहते हैं लेकिन इमोशनली ये वीक रहते हैं। और जो मेलनकॉलिक है ये ब्लैक वाइल जो है वो किडनी के द्वारा यहाँ पर सीक्रेट किया जाता है। ब्लैक वाइल ज्यादा होता है अगर, तो ये बहुत फिजिकली और इमोशनली वीक रहते हैं। और फ्लेगम जो रहता है ये लंग के द्वारा वाइट यहाँ पर फ्लूड रहता है। और अगर ये फ्लेगम ज्यादा हो जाता है तो फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी उनको बोला जाता है। और फिजिकली वीक रहते हैं, इमोशनली ये काफी स्ट्रांग होते हैं। फिर उसके बाद है रेड ब्लड, अगर ज्यादा रहता है तो उसको सेग्योनिक पर्सनैलिटी बोला जाता है। ये बहुत फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। इसको ही हम आगे थोड़ा और समझते हैं। देखिए जो क्लोरिक था सबसे पहले ये फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, इमोशनली थोड़ा वीक रहेंगे, और इनका जो नेचर है ये थोड़ा इरिटेबल रहेगा। ठीक है, इरिटेबल नेचर के ये रहेंगे। और इस तरह के जो लोग रहते हैं थोड़े बेचैन रहते हैं, ठीक है, रेस्टलेस रहते हैं, थोड़े से बेचैन ये रहते हैं, और पैशनेट होते हैं, डिटर्मिन होते हैं। अगर कोई चीज ठान लेते हैं एक बार तो वो उसमें पूरा करने के लिए ये डिटर्मिन रहते हैं, बोल्ड होते हैं, ईगर होते हैं। ठीक है, बोल्ड होते हैं, ईगर ये रहते हैं। इस तरह की जो पर्सनैलिटी है ये होती है क्लोरिक। और इसके बाद देखिए हमने पढ़ा था मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक जो पर्सनैलिटी है ये फिजिकली वीक हमने पढ़ा, इमोशनली वीक दोनों ही रहते हैं। ये थोड़े से नेगेटिव रहते हैं, यानी कि सैड होते हैं, डिसअपॉइंटेड रहते हैं ज्यादातर, और ये थोड़े से डिप्रेस्ड रहते हैं। डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी इनकी रहती है, सैड रहते हैं ज्यादातर, और ये थोड़े से पोएटिक रहते हैं, अकेले रहते हैं, थोड़े से ये पोएटिक टाइप की पर्सनैलिटी भी इनकी रहती है। तो ये है मेलनकॉलिक। और तीसरा है देखिए फ्लेगमेटिक जो पर्सनैलिटी टाइप रहती है, फिजिकली वीक होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं, और ये थोड़े से हैप्पी जॉयफुल टाइप का इनका नेचर रहता है, चीयरफुल रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लाइफ के प्रति। तो ये फ्लेगमेटिक। और उसके बाद है सेंग्यूनिक। और सेंग्यूनिक जो टाइप है इसमें फिजिकली भी स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, एक डिलाइटेंट नेचर होता है, चीयरफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, और ये शाई टाइप के होते हैं थोड़े से। ठीक है, ये थोड़े से शर्मीले होते हैं और रैशनल होते हैं, यानी कि जो भी बोलेंगे लॉजिकल है, थोड़े से रैशनल होते हैं, पेशेंस इनमें होता है। और लेकिन ये थोड़े से क्या रहते हैं, काम रहते हैं, थोड़े से शांत तरह के होते हैं, क्वाइट होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, और इनएक्टिव रहते हैं थोड़े से। ये तो ये कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी है इनकी इस तरह की। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा हिपोक्रेट्स की क्लासिफिकेशन चार तरह की है। फिर नेक्स्ट है क्रैशमर की क्लासिफिकेशन। क्रैशमर ने चार तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटी की। एक है पिकनिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक और डायस्प्लास्टिक। पिकनिक टाइप की जो पर्सनैलिटी है इसमें शॉर्ट हाइट रहती हैवी विल्ट बॉडी टाइप इसमें रहती है। और एथलेटिक टाइप में देखिए मस्कुलर बॉडी है, मस्कुलर टाइप की बॉडी होगी, वेल बिल्ट मसल इसमें रहेगी। और एस्थेनिक के अंदर देखिए टॉल और थिन, लंबे और पतले इंसान रहेंगे, और अंडर डेवलप मसल रहेंगी। ठीक है, मसल जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होंगी, यानी कि पतले दुबले पतले से जो रहेंगे वो एस्थेनिक के अंदर आते हैं। और जो डाइसप्लास्टिक है ये सभी तरह का, ये जो तीन ऊपर हमने बताई इन सब का एक मिक्सचर होता है। इन सब के जो क्वालिटीज है, कुछ अगर छोटे भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर पतले भी हो गए, छोटे और पतले का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई मस्कुलर टाइप हो सकते हैं लेकिन शॉर्ट हाइट हो सकते हैं, कोई यहाँ पर टॉल हो सकता है लेकिन उसकी बॉडी बिल्ट बिल्ट जो है वो अच्छा हो सकता है, मस्कुलर अच्छी हो सकती है। तो ये मिक्स तरह की पर्सनैलिटी इन तीनों को मिलाकर हो सकती है। तो ये आता है किसके अंदर, डायस्प्लास्टिक के अंदर। आगे हम और अच्छे से इसको समझते हैं जो इसकी टेम्परामेंट्स होते हैं। टेम्परामेंट्स देखिए जैसा हमने पढ़ा पिकनिक के अंदर शॉर्ट हाइट है, अच्छी खासी जो हैवी बिल्ट बॉडी रहेंगी, यानी इसमें थोड़े से मोटे तरह के जो लोग रहते हैं वो इसमें रहते हैं। और थोड़ा सा इसका नेचर देखिए कैसा होता है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, आउट गोइंग, ज्यादा बाहर जाना उनको पसंद रहता है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी रहती है।
और एथलेटिक के अंदर नाम से ही पता लगेगा कि देखिए एथलेटिक्स की बॉडी किस तरह की होती है, मस्कुलर टाइप होगी, अच्छी खासी मस्कुलर बॉडी इनकी रहेगी। और ये एनर्जेटिक होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, डिटरमाइन होते हैं, ठीक है, एक बार निश्चय कर लिया तो वो उसको करके रहेंगे। और एनर्जेटिक पूरा इनमें एनर्जी रहती है, एडवेंचरस होते हैं, ठीक है, और भी चीजें एटसेट्रा, ये एक आइडिया है कि इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है। और एस्थेनिक के अंदर हमने पढ़ा, और एस्थेनिक देखिए ये दुबले पतले से रहते हैं, इनकी मसल जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती है, तो ये हमने अभी पढ़ा। लेकिन इनका नेचर किस तरह का होता है, क्वाइट रहते हैं, काम है, और ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी इनकी रहती है। और डायस्प्लास्टिक हमने जैसा भी पढ़ा, ये मिक्सचर होता है, उसी तरह से इनका नेचर में भी इन तीनों का ही मिक्सचर ये रहेगा। तो ये थी क्रैश्मर की क्लासिफिकेशन, जिसको हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझ लिया है किस तरह की होती है। फिर आगे है शेल्डन की क्लासिफिकेशन, शेल्डन ने किस तरह से क्लासिफिकेशन की, देखिए इन तीन तरह की बॉडी टाइप इन्होंने बताई, जिसके अंदर एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ये तीन तरह की इन्होंने यहाँ पर बॉडी टाइप बताई, जिसमें जो एंडोमॉर्फिक है ये राउंडेड और सॉफ्ट बॉडी इनकी रहेगी, और मेसोमॉर्फिक के अंदर स्क्वेयर और मस्कुलर रहेगी, और एक्टोमॉर्फिक के अंदर थिन और फाइन बोन मसल रहेंगी इनकी। तो यहाँ पर जैसा हमने अभी क्रैश्मर के अंदर पढ़ा, तो ये देखिए ये दुबले पतले से ये एक्टोमॉर्फिक के अंदर आते हैं, जो अच्छी खासी जिनकी मस्कुलर बॉडी है वो मेसोमॉर्फिक के अंदर आती है, और एंडोमॉर्फिक के अंदर थोड़े से जो मोटे रहते हैं वो आते हैं, शॉर्ट राउंडेड बॉडी जिनकी रहती है। तो यही चीजें हैं यहाँ पर इन्होंने भी बोली हुई है, तीन तरह से इनको डिवाइड किया हुआ है। क्रैश्मर ने भी जैसा हम एथलेटिक्स के अंदर मस्कुलर थी तो ये मेसोमॉर्फिक की तरह ही हो गया, और उसमें एस्थेनिक था जिसमें कि हमारे दुबले पतले से आते, तो वो एक्टोमॉर्फिक के अंदर आ गया, और एंडोमॉर्फिक के अंदर क्या आता है, जो पिकनिक टाइप की बॉडी टाइप थी वो एंडोमॉर्फिक के अंदर आती है, शॉर्ट राउंडेड बॉडी और थोड़े सी फैटी ये रहते हैं। तो ये आगे देखिए इनको समझते हैं, इनका करेक्टर किस तरह का रहता है। ये थोड़े से फन लविंग रहते हैं, जो एंडोमॉर्फिक टाइप के रहते हैं ये थोड़े से फन लविंग है, टॉलरेंट है, और थोड़े सोशलेबल है, ठीक है, बाहर जाना, घूमना फिरना, मस्ती करना, ये सारी इनको अच्छा लगता है। शॉर्ट राउंडेड बॉडी है, थोड़े से फैटी, छोटे और गोल बॉडी इनकी रहती है, गोल मटोल से रहते हैं एंडोमॉर्फिक। और मेसोमॉर्फिक के अंदर आते हैं जो ये थोड़े एडवेंचरस है, करेजियस है, कॉम्पिटेटिव है, और मस्कुलर बॉडी इनकी अच्छी खासी मस्कुलर, जैसे एथलेटिक्स के अंदर पढ़ा हमने वही चीज है। और एक्टोमॉर्फिक जो कि दुबले पतले से होते हैं और सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, प्राइवेट, इंट्रोवर्ट या आर्टिस्टिक इनको बोला जाता है, जो कि हमने क्रिश्मर की बॉडी टाइप के अंदर किसके किसके अंदर पड़ा था, एस्थेनिक के अंदर, तो ये यही आता है एक्टोमॉर्फिक के अंदर। फिर नेक्स्ट है जंग्स क्लासिफिकेशन, इन्होंने दो तरह की पर्सनैलिटी बताई हुई है, एक है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट तरह के पर्सन किस तरह के होते हैं, इस तरह के पर्सन जिनका जो फोकस या अटेंशन होता है वो अपनी ही फीलिंग्स और आइडियाज पे रहता है, ये ज्यादा बाहर नहीं घुलते मिलते, किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं, बस अपने ही फीलिंग्स और जो अपने आइडियाज रहते हैं अपने ही तक ये ज्यादा सीमित रहते हैं, तो ये इंट्रोवर्ट टाइप के रहते हैं इस तरह के। और एक्सट्रोवर्ट क्या रहते हैं, जिनका फोकस और अटेंशन जो रहता है वो बाहर की दुनिया से ज्यादा रहता है, बाहर ज्यादा घुलते मिलते हैं, बाहर घूमना फिरना, दूसरों से बातें करना, अपने आइडिया शेयर करना, तो इस तरह के एक्सट्रोवर्ट टाइप के इंसान रहते हैं। तो ये दो तरह के बताए हैं। और एक चीज आपने और याद रखनी, इसके अंदर एक एम्बीवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी भी होती है, लेकिन ये जंग्स की क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आता है, इन्होंने दो ही तरह के दी हुई है, ऐसे मैं बता रही हूँ, कई बार पूछा जाता है। एम्बीवर्ट टाइप के पर्सन भी होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी क्या होती है, मिक्स्ड होती है। ये देखिए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का एक मिक्सचर होता है, ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का एक बैलेंस रूप है, यानी ये थोड़े इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों भी हो सकते हैं पर्सन। ज्यादातर जो पर्सन होते हैं वो एम्बीवर्ट होते हैं, ना वो पूरी तरह से इंट्रोवर्ट होते हैं ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक बैलेंस रूप में दोनों का यहाँ पर मिक्सचर होता है, तो ये एम्बीवर्ट्स होता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्प्रेंजर की क्लासिफिकेशन। प्रेंजर ने जीवन मूल्यों के आधार पर पर्सनैलिटी को 6 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी जो
आइडियाज और वैल्यूज है इस पर ये आधारित है, छह तरह से डिवाइड किया हुआ है। इसमें थियोरेटिकल है, एस्थेटिक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल। थियोरेटिक या फिर इसको कॉग्नेटिव भी बोला जा सकता है, कॉग्नेटिव, क्योंकि इसके अंदर क्या था, इस तरह के जो पर्सन रहते हैं ये सच्चाई की खोज में रहते हैं, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। किसमें? डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, यानी कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ज्यादा रुचि दिखाते हैं। और इसके अंदर जैसे साइंटिस्ट आ गए, या फिर जो रिसर्च करते हैं वो लोग इसके अंदर आते हैं, या फिलोसफर है, तो इनका जो लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव ही क्या रहता है कि हमने सच्चाई की खोज करनी है, ट्रूथ की खोज करनी है, तो यही इनका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इस तरह के पर्सनैलिटी को बोला जाता है कॉग्नेटिव या थियोरेटिकल। फिर है एस्थेटिक, जो होते हैं उसके अंदर आते हैं, जो कि एक ब्यूटी को यहाँ पर पसंद करते हैं, या सौंदर्य में रुचि लेते हैं, ब्यूटी को या आर्ट को यहाँ पर ये पसंद करते हैं। इसके अंदर आर्टिस्ट है, या और इसमें जैसे कोई मूर्ति बनाता है, या कोई नृत्यकार है, संगीतकार है, कवि है, तो इस तरह के जो लोग आते हैं वो आते हैं एस्थेटिक के अंदर। फिर आगे है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक किस तरह के आते हैं, ये इस तरह के जो लोग होते हैं जैसे कि इकोनॉमिस्ट है, या फिर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो इस तरह के लोग आते हैं इसके अंदर, जो जिनका क्या है कि क्या यहाँ पर यूजफुल है उनके लिए, उस चीज में ये इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे मैंने बोला ना, जैसे कि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है, या इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री है, तो ये सारे चीजें जो ये सारे जो है वो किसके अंदर आएंगे, इकोनॉमिक के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद है पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं जो कि पावर में विश्वास रखते हैं और पावर में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे पॉलिटिकल नेता कई रहते हैं, ठीक है, राजनीतिक नेता जो रहते हैं, और जो राजनीति में विश्वास रखते हैं, राजनीति को मानते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत सारे आते हैं पॉलिटिकल में। फिर रिलीजियस के अंदर आते हैं जिनका हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यूनिटी, यानी ये धर्म में विश्वास रखते हैं, या धार्मिक चीजें करने में जो लोग विश्वास रखते हैं, ठीक है, वो है इनका जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, धर्म। तो ये रिलीजियस जो पीपल रहते हैं थोड़े से, तो वो पर्सनैलिटी आती है रिलीजियस के अंदर। फिर है सोशल। सोशल के अंदर आता है जिनका हाईएस्ट वैल्यू क्या रहता है, लव ऑफ पीपल। ये इस तरह के जो लोग रहते हैं ये सामाजिक कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, सोशल वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट जो लेते हैं वो लोग इसके अंदर आते हैं। जैसे कि हमारे जो सोसाइटी की क्या क्या नीड है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उन चीज़ों पर ये स्टडी करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, और जो सोसाइटी की हालत होती है उसको सुधारने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है, और इसी चीज में ये काम करते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं। लव ऑफ पीपल इनका हाईएस्ट वैल्यू रहता है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं थ्योरेटिकल के अंदर जो फिलोसोफर्स होते हैं, साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, यानी कि कोई वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, अनुसंधानकर्ता होते हैं, ये आते हैं किसके अंदर, थ्योरेटिकल के या फिर कॉग्नेटिव के अंदर। कॉग्नेटिव जिनका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सच्चाई की खोज करना। फिर दूसरा क्या था, एस्थेटिक। इनके अंदर आते हैं किस तरह के लोग, जो पेंटर है, पोइट है, डांसर है, सिंगर एटसेट्रा, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं एस्थेटिक के अंदर, जो भी यहाँ पर जो सौंदर्य को या फिर आर्ट को, कला को यहाँ पर पसंद करते हैं। इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर किस तरह के लोग आते हैं, जो कि यहाँ पर जैसे अर्थशास्त्री होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, ये सारे आते हैं किसके अंदर, इकोनॉमिक के अंदर। और तो उसके बाद है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल के अंदर जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिशियन है, डिप्लोमेट्स है, एटसेट्रा, ये सारे किसके अंदर आते हैं, पॉलिटिकल के अंदर आते हैं। तो उसके बाद है रिलीजियस। रिलीजियस पीपल धर्म में ज्यादा विश्वास करते हैं। जो लोग यहाँ पर धर्म में विश्वास करते हैं, उनका जीवन का जो लक्ष्य होता है, ऑब्जेक्टिव ही यहाँ पर धर्म होता है, धर्म की रक्षा होता है, तो ये है रिलीजियस टाइप की पर्सनैलिटी, उनमें मानते हैं, धर्म में मानते हैं। फिर है सोशल। सोशल के अंदर आते हैं जैसे जो सामाजिक कार्यों में,
ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इसके अंदर आते हैं सोशल रिफॉर्मर है, सोशल वर्कर है एक्सेट्रा, ये सारे किस आते हैं यहाँ पर सोशल टाइप की पर्सनैलिटी के अंदर। तो ये थी हमने सारी क्लासिफिकेशन जो काफी शॉर्ट में हमने अच्छे से समझ ली है। स्प्रेंजर की क्लासिफिकेशन हमने की, क्रैशमर की, हिपोक्रेट्स की, शेल्डन की। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।